सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला प्लांट, वर्सेटाइल प्लांट। वर्सेटाइल प्लांट मीन्स खूबियों से भरपूर, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हों। ईजी टू ग्रो प्लांट हो, लो मेंटेनेंस प्लांट हो, हार्डी प्लांट हो, सॉइल पे लगाना जिसे आसान हो, वाटर पे भी जिसे आसानी से लगाया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है, आर्टिफिशियल लाइट में भी जो बहुत अच्छे से ग्रो होता हो, ऐसे प्लांट का नाम है मनी प्लांट। हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है और आज मनी प्लांट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मनी प्लांट्स को पोथोस भी बोला जाता है और काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपने देखी होंगी। मेरे पास जो ये वैरायटी है, ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है और इसका नाम है गोल्डन मनी प्लांट। इसे गोल्डन मनी प्लांट बोलिए, गोल्डन पोथोस बोलिए, डेविल्स आईवी बोलिए या डेविल्स वाइन बोलिए, ये सारे इसके नाम हैं मनी प्लांट के। और नासा की एक स्टडी में ये प्रूफ हो चुका है कि ये बहुत ही अच्छा इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, जो हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके इंडोर एयर को प्योरीफाई करता है। मनी प्लांट को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, अगर इसकी बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसके लिए बेस्ट है, वहाँ रखना इसे शुभ माना जाता है और जैसे कि प्रॉस्पेरिटी और लक के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट ये माना जाता है। आउटडोर इंडोर दोनों ही तरह का ये प्लांट है। हार्ट शेप्ड और वेरीगेटेड लीव्स वाला बहुत ही सुंदर सा प्लांट है ये। और अगर इसकी केयर टिप्स की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट बातें इसके बारे में हैं कि हमेशा इस मनी प्लांट को क्लीन वाटर आप दीजिए, क्योंकि जैसा बोला जाता है कि मनी प्लांट में लक्ष्मी का वास होता है, तो हमेशा जो आप पानी पीते हैं वही पानी इस मनी प्लांट में आप दीजिए। इसे किसी भी तरह का जैसे बचा हुआ पानी होता है या फिर बाथरूम का कुछ पानी बच जाता है, हम लोग प्लांट्स में यूज़ कर देते हैं, तो मनी प्लांट पे हमेशा आप क्लीन वाटर यूज़ करें। और इसके अगर दूसरे इम्पॉर्टेंट केयर टिप की बात करें तो जब भी इसे लगाएं तो मनी प्लांट को हमेशा अपवर्ड पोजिशन में लगाएं, यानी कि ऊपर बढ़ती हुई दिशा में ही लगाएं, नीचे को लटका के इस मनी प्लांट को ना लगाएं। तो और मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े मनी प्लांट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने छोटा ही रखती हूँ। मुझे थोड़ा बूशी और छोटे से मनी प्लांट लगाना पसंद है। इसी में से मैं ये जो मेरा बड़ा वाला मनी प्लांट है, इसी में से कटिंग जब ये बढ़ जाता है, इसमें से कटिंग निकाल के ऐसे ऐसे छोटे पॉट्स में मैं लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने काफ़ी लगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मनी प्लांट मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप मॉइस्ट स्टिक लगा के या किसी रोप की हेल्प से उसको अपनी बालकनी पे अपवर्ड पोजीशन में लगाएं, जहाँ भी इसे लगाते हैं ऊपर बढ़ती हुई दिशा में इसके लगाएं। अब चलिए बात करते हैं कि विंटर्स में और समर में इस प्लांट की केयर हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम समर की बात कर लेते हैं, और जैसा मैंने बताया था कि इंडोर आउटडोर दोनों ही जगह बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है मनी प्लांट। तो अगर समर में इस प्लांट को आप अंदर रख रहे हैं, इंडोर रख रहे हैं, तो इसको ज़्यादा आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है, इजीली ये ग्रो कर जाता है। और बाहर अगर आप रख रहे हैं, बाहर भी इसे रखा जा सकता है समर में, लेकिन एक ऐसी प्लेस पर रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और शेडी एरिया पर इसे रखें। और वाटरिंग इसको दोनों टाइम की करनी होती है। समर में शावर इस प्लांट को बहुत पसंद है, जब भी पानी दें ऊपर से नीचे तक इसे अच्छे से नहला दें। और विंटर्स की अगर बात करें तो विंटर्स में इस प्लांट को आप आउटडोर रखिए, इंडोर रखिए, दोनों ही जगह ये अच्छा ग्रो करता है। नवंबर के बाद विंटर्स में इस प्लांट को अगर आप आउटडोर रखते हैं तो ये अच्छा ग्रो करेगा। विंटर्स में इसे बाहर रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है तो अच्छा ग्रो फिर करता रहता है। और वाटर का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाता है विंटर्स में, तो वाटर इसे बहुत ध्यान से देना है। जब ऊपर की मिट्टी, इसकी ऊपर की लेयर 1-2 इंच की मिट्टी सूख जाए, तभी इसे विंटर्स में पानी देना है। विंटर्स में अगर इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखते हैं आउटडोर, तो ये ख़राब नहीं होता है, ये अच्छा ही ग्रो करता है। और विंटर्स में ये प्लांट्स थोड़ा डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं कुछ समय के लिए, उस समय इसमें से सारी ही लीव्स इसकी गिर जाती हैं, बहुत खाली खाली सा हो जाता है मनी प्लांट ये। और लोगों को लगता है, कुछ लोग सोचते हैं कि अब ये प्लांट मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जनवरी के बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है, इसमें न्यू लीव्स अपने आप फिर आने लगती हैं, तो उसमें घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि मेरा प्लांट ख़राब हो गया, उसे एज इट इज़ रहने दीजिए। बस उसमें वाटरिंग कम से कम करिए, जब उसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाती है आपको लग रहा है, तब उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर दीजिए विंटर्स में। विंटर्स में आप ऐसे करके इसको केयर कर सकते हैं, और समर का मैंने बता दिया। और अगर इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें तो एसिडिक सॉइल इस प्लांट को बहुत पसंद है, तो एसिडिक सॉइल के लिए आप वर्मी कंपोस्ट की मल्चिंग कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट आप इसमें वैसे भी डाल सकते हैं, जब इसका सॉइल मिक्सचर तैयार